नोएडा से बड़ी खबर है, जहां डंपिंग ग्राउंड को लेकर लोगों का प्रदर्शन तेज हो गया है। सोसाइटी, गांव के लोग मिलकर मार्च निकाल रहे हैं। सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 123 से किसान चौक तक मार्च निकाला जा रहा है। प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं ये लोग। डंपिंग ग्राउंड बनने से बीमारी फैलने का भी आरोप है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो किसान चौक तक निकाला जा रहा है मार्च। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड बनने से बीमारी फैलने का आरोप है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। डंपिंग ग्राउंड को लेकर लोगों को नाराजगी है लोगों की, और उसी को लेकर यह प्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश अजीज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। दानिश, एक लंबे वक्त से डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया जा रहा है नोएडा में, आज एक बार फिर से प्रदर्शन, कोई पहुंचा वहां पर इनकी सुनने? देखिए, ये लंबे वक्त प्रदर्शन चल रहा है, अब तो काम भी शुरू हो चुका है। जिसको लेकर अभी हफ्ता भर पहले यहाँ पर बड़ा बवाल देखने को मिला था, पथराव हो गया था जी। प्राधिकरण ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं प्राधिकरण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ना ही सोसाइटी वालों की और ना ही गाँव वालों की। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, डंपिंग ग्राउंड बनाने को लेकर जो अयल रवैया है प्राधिकरण का, वो सामने नजर आ रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया और साफ ऐलान कर दिया कि अगर प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं मानता है तो वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर सकते हैं। लिहाजा जो बवाल है और जो आक्रोश है वो स्थानीय लोगों में बरसाई जा रहा है, और साथ ही ये लोग 2019 में आने वाले जो चुनाव है उसमें वोटिंग का भी बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये हालात रहे तो वो 2019 में वोट नहीं डालेंगे। हजारों लोग हैं, तकरीबन 10 लाख लोग हैं जो यहाँ इस इलाके में रहते हैं, और अगर ये डंपिंग ग्राउंड बनता है तो 10 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे। बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाई राइज बिल्डिंगें भी हैं, गांव भी हैं इलाके में। लिहाजा डंपिंग ग्राउंड का जो विरोध है वो लगातार जारी है। हालांकि इनकी सुनने कोई नहीं आया। एक बार यहाँ पर खुद केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा आए थे, उन्होंने वादा किया था कि वो प्राधिकरण से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हो गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। इसी की वजह से ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए दानिश अजीज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डंपिंग ग्राउंड का विरोध, और क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों को, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्राउंड बनाया जा रहा है इसी के विरोध में लेकर के, सारी पब्लिक, सारी जनता, सारा समाज इसी में, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर गलत काम कर रहे हो तो आप भी बता सकते हैं हम गलत काम कर रहे हैं। वो अधिकारी जो हमारे लिए गलत कर रहे हैं, जरा अपने बच्चों को लेकर के यहाँ देखे कि वो कितनी देर रह सकते हैं, क्यों ऐसा बर्ताव हमारे साथ में हो रहा है। और संभल में नाबालिग को बेला फुसलाकर